को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सिवनी मालवा के शिवपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमलाड़ा कला में दो बंगाली डॉक्टरों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने अचानक तूल पकड़ लिया और विगत कई सालों से रह रहे डॉक्टर ने कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद डॉक्टर मजूमदार के द्वारा 100 डायल पर अपने साथ हो रही मारपीट की सूचना दी गई। 100 डायल जैसे ही गांव में पहुंची, ग्रामीणों ने 100 डायल पर भी पथराव कर दिया, जिसके चलते 100 डायल के कांच फूट गए। उसके बाद गांव वालों के मुताबिक पुलिस वालों ने ग्रामीणों पर जमकर लाठी बरसाई, जिससे कई ग्रामीण घायल भी हो गए। वहीं दूसरी ओर SDOP शंकरलाल सोनिया का कहना है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की कोई सूचना नहीं दी गई है, यदि उसके बाद भी मारपीट हुई होगी तो संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा निर्दोषों को मारा गया है, एवं बंगाली डॉक्टर मजूमदार की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर बड़ई उनके बारे में गंदी गंदी बातें करता है एवं उनके चरित्र पर आरोप लगाते हुए गाँव वालों को भड़काता है। पुलिस ने 100 डायल पर पथराव करने एवं डॉक्टर मजूमदार से मारपीट करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह मामला बंगाली डॉक्टरों के वर्चस्व की लड़ाई का मामला है। अब देखना यह है कि जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बंगाली डॉक्टरों पर अंकुश लगाने के आदेश जारी हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ग्रामीणों के आरोप यदि सही हुए तो उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी जिनके द्वारा निर्दोष ग्रामीणों पर मारपीट की गई थी। क्या नाम है दादा? सर मैं श्रीपति मजूमदार जी। कल क्या विवाद हुआ था? सर कल हमारा गांव का एक डॉक्टर है, उसका नाम विवाज बड़ाई है, जो हमसे 2 महीने पहले से बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे तो 2 साल पहले से हमको परेशान कर रहा है, हमको ऊँचे नीचे बोल रहा है, जैसे कि उसका भी मुसलमान का भी भलाई का भी चामार, इस प्रकार की हमें बदनामी कर रहा है। गाँव के पेशेंट हमारे पास आते तो बोलते उसके पास मत जाओ। वो ऐसा रात में क्या हुआ था? काल रात में फिर वो पंचायत के नाम पे हमें बोला कि पंचायत बुला रहे आपके यहाँ पे आइए, सरपंच भी है और भी है कई ग्राम की महादाय व्यक्ति। तो हमको धोखा से, हम पहले तो मना किया कि रात के 8 बजे कोई पंचायत का टाइम नहीं होता है, तो हमें पहले 2 घंटे पहले सूचित भी करना था, तो हमको सूचित भी नहीं किया सर। तो इस वक्त हम और तो मेरे पास एक दो पेशेंट भी था और मेरा लड़की उस टाइम सो रहे थे, 6 साल की 6.5 साल की मेरा गुड़िया सो रहे थे। तो फिर हमको जबरन पकड़ के ले गए, तो हमारे गुड़िया को हम गोद में उठा के ले गए, खाली घर हम उनको नहीं छोड़ा। तो वहाँ पे जाके धोखा में हमारे साथ मारपीट शुरू किया, जो मतलब वहाँ पे ना तो देखा सरपंच है ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। हमने बोला कि सर आपके यहाँ पे जो बुलाइए सरपंच है, कौन पंचायत करेगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को हमको बुलाइए। तो सर हमारा पत्नी के साथ, हमारा बच्चे के साथ, हमारे साथ मारपीट करी है, देखिए हमारे पाँव में चोट भी हुआ सर हमारे, ये अपने हमने मलम पट्टी स्वयं यहाँ पे करी, हमारा कान में यहाँ पे मारी, हमारे हाथ में नाखून में खरोच मारी, पीठ में। पुलिस में रिपोर्ट किया? हाँ सर हमने पुलिस में रिपोर्ट करी, एक महीने की रिपोर्ट करी, तो उन्होंने एक बार उनको उसको समझाई देकर छोड़ दिया था जी। तो इसके बाद भी हमको उल्टा धमकी दे रहा है कि हमारा पत्नी की उठा के रेप कर देंगे। तो हमने वो दोबारा सर से हमने मिला, तो हम मिलने आया तो और ज़्यादा भड़क गए। तो फिर काल रात को हमारे साथ ऐसी जो ताज़ा घटना घटा काल रात, पिछले दिन 23 तारीख की रात की 8:30 बजे की साथ हमारे साथ मारपीट हुआ। ये मेरा धर्मपत्नी श्रीमती पूजा मजूमदार, उनसे भी पूछ सकते सर। कल क्या हुआ था आपके साथ? कल ये हुआ था 8:30 बज के 10 मिनट में हमारे पास गांव के लड़कावन आया था दारू पी के। तो हमको ये बोला क्या सरपंच साहब आपको बुला रहा है पंचायत में। तो हमने बोला सरपंच साहब बुला रहा है, पहले क्यों नहीं बोला हमको, पहले 2 घंटा पहले सूचित कर देते हम चले जाते, अब रात हो गए हमारे लड़की सो रहा है। तो बोला दारू पी के फिर मतलब धमकी देने लग गए, नहीं जाओगे तो आपका गलती, आपने गलती किया। फिर हमने बोला ठीक है हम कल सुबह बताएंगे हमने गलती किया कि सही किया। फिर बाद में दो व्यक्ति के फिर पकड़ के हमको ले गए, हमने गाया जाने की बात मतलब कोई बातचीत किया नहीं हुई, फिर तुरंत हमारे ऊपर हमला कर दिया। और पहले से प्लानिंग था डॉक्टर की, सुबह से दारू पिलाया, सुबह से बहुत लोगों को दारू मुर्गा खिलाया पिलाया, और मतलब डांडा भी हाथ में था, मतलब पूरा प्लानिंग में था हमको हमको वही पे कूटेगा मर्डर करेगा जो भी करेगा, यही उनका प्लानिंग था। और हाँ हमने किया था, हमारा घर वाला को मानने तक धमकी देता है जे अकेला देखेगा तो इनको मर्डर कर देगा। और ऐसी गंदी गांव में बात फैला रहा है कि हमारा साथ गैंगरेप हुआ, हमारा घर वाला मेरे को नंगा करके पिटाया, हम घर में धंधा करते, ऐसी गलत फहमी गाँव में फैला रहा है। हम जब धक्का मुक्का मेरा छाती में भी हाथ लगाया। क्या हो गया?
सर हमको तो लड़ाई दंगे के कुछ नहीं मालूम, हम तो घर पे थे, सो रहे थे, हमारे पति को मारने लगा तो हमने सोचा सर मत मारो, सर मत मारो, इनके क्या गलती है सर तो इनके मार रहा है, देखिए ये कुत्ती उनको भी मारो करके सर हमारे बाल पकड़ लिए, गुड़िया के बाल पकड़ लिए, मेरे बाल पकड़ लिए। किसने? ये सर पुलिस वाले उन्होंने पकड़ा, इतने पुलिस वाले में किसके नाम बताएं, बहुत तो थे वे, चार पांच थे, किसके नाम बताएं। क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछा नहीं, मार दिया उन्होंने तो, उनको बोला कि चलो बैठो गाड़ी में, तो मैंने बोला सर निर्दोष आदमी क्यों मार रहा है, इतने ही बोला सर, मैंने कुछ नहीं बोला। आखिरी के बाद उन्होंने कमीज वमीज फाड़ दिया तो मैंने बोला सर तुम ले जाओ, मगर तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा, हमारे आदमी को कुछ मारना ठोकना मत, मैंने यही बोला सर, कुछ नहीं बोला। और कौन से गाँव की हो तुम? हम लड़ा कला के सर। में पुलिस कहाँ से आई थी? पुलिस सीपो थाना से आई थी। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? भगवती। कौन से गाँव की हो? हम लड़ा। क्या हो गया था कल रात में? हम लड़ा कला। कल रात में क्या हुआ? अरे भैया मैं मारिया उन्ना मारिया कहीं नहीं मारे ही है, यही मारिया पीट मारिया, घिस घिस के अंदर से घिस घिस के मारे। किसने मारा? बोलो सुन। क्या बोल रही थी? मैंने कह के नहीं माना भैया, नहीं मारा साहब, ऐसा करके मैंने किया था तो उन्होंने नहीं माना, मेरे को ही खींच लिया अंदर से और वो मारने लग गए। क्यों मारा? हाँ मैंने समझान को गया था। अच्छा समझान तो क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? कह के हमने सुने तेरा बात करके हाथ को खींच लिया और मारने लग गए, जैसे तुम्हें होंदा ही पड़ गया। अच्छा लेडीज पुलिस भी थी कि आदमी आदमी थे सब? नहीं आदमी आदमी होते। ललित। कौन से गांव से? हम लड़ा कला। कल क्या हुआ था रात में? कल हमको तो पता नहीं था सर, पर वो अचानक पुलिस गांव जूता का आवाज़ सुनी आया तो मैं सोएल था, तो मैंने कहा यार क्या है कुत्ता उन भूख रहा है, तो मैं बाहर देखने गया, दरवाजा मार के बाहर कैसे में खड़ा हुआ, इधर सामने एक का पकड़ के ले जा रहा था, बनके कौन के काई हो गया यार ऐसा करके, तो इधर से एक दूसरा आया और वने तो कहीं बोलिया चाले और सीधा वो लकड़ी उठा के मार दी, तो बाहर के इसमें आधा आधा झिला गया और आधा लकड़ी पेट में लगी। तुमको भी मारा? हाँ एक लकड़ी मारा था ना। तो बताया नहीं क्यों मार रहे? बताया नहीं। ठीक है और क्या बोल रहे थे पुलिस? कुछ नहीं मार कर चल दिया उनको। गाँव में कितने लोगों को मारा? ये तो पता नहीं सर, अब मैं घर में था ना। पाँच छः लोग और भी गिरफ्तार कर। सर कल रात में अमलाड़ा में क्या विवाद की, क्या मामला? गांव अमलाड़ा का में दो लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, एक का नाम है श्रीपति मजुमदार, एक का नाम है विजय, तो वो चाहता कि मैं रहूँ इस गांव में, वो चाहता कि मैं रहूँ इस गांव में, तो इनका कल आपस में विवाद हो गया। ये $100 पे एक वो आया इवेंट आया तो मेरी वहाँ गाड़ी गई, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे गाड़ी पे एक पत्थर मार दिया, मेरे शीशा था को थोड़ा सा वो क्रैक हो गया, उसका नाम था विजय बड़ई, एक था राजू गाडरी, एक था कैलाश पंडुवंशी, एक था बालकराम कुरकू, एक था बिमलेश गाडरी, तो हमने इन पे सभी पांचों पे धारा 294 323 427 506 34 का IPC का केस कायम कर विवेचना में लिया गया। गांव वाले आरोप लगा रहे कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने गाड़ी पत्थर मारा था, मैं खुद वहाँ सुन गया था। दोनों डॉक्टरों के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई जो? हाँ एक वो है अपना डॉक्टर विजय बड़ई, वो हमारी इसमें आरोपी है। गिरफ्तारी हो गई? अभी कुछ भी गिरफ्तारी कुछ की भी शेष गिरफ्तारी। देखो पुलिस ने मारपीट नहीं करी है, एक वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर 100 नंबर पर कॉल करा, इवेंट आया, पुलिस वहाँ गई, तो पुलिस के जाने के बाद गांव वालों ने पत्थर वगैरह मार करी जिससे हमारी 100 नंबर गाड़ी के कांच टूट गए, और पुलिस ने उन्हीं लोगों को खिलाफ जिनके खिलाफ मामला कायम है उनको पकड़ने जब गई तो कुछ महिलाओं ने उनका विरोध करा और जिनको हटाते हुए उन आरोपी को पकड़ के ले आए। पुलिस द्वारा किसी के साथ कोई महिलाओं के साथ मारपीट नहीं करी है, और अगर बाई चांस हमारे किसी स्टाफ में कुछ गलती हो गई है तो उसकी मैं जाँच कराऊँगा और उचित कार्रवाई करूँगा। मामला ये कि पश्चिमी बंगाल के दो लोग रह रहे हैं, डॉक्टर है एक बड़ई है और एक और डॉक्टर है मजुमदार, इनके बीच में उनके दुकानदारी को लेकर विवाद चल रहा है और जो इस कारण से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं और उसकी मजूमदारी की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा अपराध पंजीकृत किया गया है।